जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। दोस्तों, आप दोस्तों, आप सभी सभी का का आपके आपके चैनल चैनल में में बहुत 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 स्वागत स्वागत है। है। आपके आपके मन मन में में ये ये प्रश्न प्रश्न जरूर जरूर उठता उठता है है कि कि हमें हमें किन किन कौन कौन से से भगवान भगवान की की पूजा पूजा करना करना चाहिए, चाहिए, हमारे हमारे इष्ट इष्ट देव देव कौन कौन है, है, हमें हमें किन किन भगवान भगवान हमारे हमारे देवता देवता हैं हैं जिनकी जिनकी हमें हमें पूजा पूजा करने करने से से लाभ लाभ होगा, होगा, फायदा फायदा होगा। होगा। कई कई बार बार ये ये प्रश्न प्रश्न मुझे मुझे अमूमन अमूमन पूछा पूछा जाता जाता है है और और कई कई बार बार कमेंट्स कमेंट्स में में ये ये बात बात मैंने मैंने देखी देखी भी भी है। है। बहुत बहुत से से लोग लोग एक एक ही ही प्रश्न प्रश्न को को कई कई बार बार दोहराते दोहराते हैं। हैं। इस इस वीडियो वीडियो में में अगर अगर आपके आपके मन मन में में ऐसे ऐसे कोई कोई भी भी प्रश्न प्रश्न है है इष्ट इष्ट देव देव को को लेकर लेकर या या किन किन भगवान भगवान की की पूजा पूजा करने करने के के लिए, लिए, वो वो सभी सभी चीजें चीजें क्लियर क्लियर हो हो जाएगी। जाएगी। तो तो इस इस वीडियो वीडियो को को आप आप अंत अंत तक तक बने बने रहें रहें ताकि ताकि आपको आपको सभी सभी चीजें चीजें क्लियर क्लियर हो हो जाए। जाए। उससे उससे पहले पहले एक एक निवेदन निवेदन है है कि कि यदि यदि आपको आपको कोई कोई परेशानी, परेशानी, कोई कोई तकलीफ तकलीफ हो हो जीवन जीवन में में किसी किसी भी भी विषय विषय को को लेकर, लेकर, तो तो आपके आपके स्क्रीन स्क्रीन पर पर नंबर नंबर चल चल रहा रहा है, है, उस उस नंबर नंबर पर पर आप आप मुझे मुझे व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर कर दें। दें। व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर पर जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल लिख लिख दें। दें। शुल्क शुल्क लागू लागू है है दोस्तों, दोस्तों, नॉमिनल नॉमिनल शुल्क शुल्क है, है, उस उस शुल्क शुल्क देकर देकर आप आप मुझसे मुझसे बात बात कर कर सकते सकते हैं। हैं। जरूर जरूर हम हम हल हल की की बात बात करेंगे, करेंगे, सकारात्मक सकारात्मक बात बात करेंगे, करेंगे, एक एक बार बार बात बात जरूर जरूर करें। करें। तो तो चैनल चैनल को को अभी अभी इस इस तक तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी भी नहीं नहीं किया किया तो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर लें लें और और कमेंट्स कमेंट्स भी भी लिखें। लिखें। जय जय शिव शिव शंभू शंभू और और वीडियो वीडियो को को लाइक लाइक कर कर दें। दें। सबसे सबसे पहली पहली बात बात कि कि भगवान भगवान की की कौन कौन से से भगवान भगवान की की पूजा पूजा करें करें या या आपकी आपकी अंतरात्मा अंतरात्मा से से एक एक बार बार जरूर जरूर पूछ पूछ लें। लें। आपको आपको ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली इस इस चीज चीज का का फील फील होता होता है। है। तो तो जो जो आपकी आपकी इच्छा इच्छा करें, करें, जो जो भी भी आपकी आपकी इच्छा इच्छा करे करे भगवान, भगवान, जिन जिन भी भी इशु इशु भगवान भगवान की की पूजा पूजा करने करने का का पहला पहला प्रेफरेंस प्रेफरेंस मैं मैं वहां वहां देता देता हूँ, हूँ, क्योंकि क्योंकि हर हर एक एक व्यक्ति व्यक्ति के के मन मन में में स्वतः स्वतः ही ही ईश्वर ईश्वर के के प्रति प्रति आस्था आस्था रहती रहती है, है, श्रद्धा। श्रद्धा। जो जो भी भी देवता देवता में में आपकी आपकी विश्वास विश्वास हो हो आस्था आस्था हो हो आप आप उनका उनका पूजन पूजन करें, करें, सबसे सबसे पहली पहली बात। बात। अब अब बहुत बहुत से से लोग लोग इस इस विषय विषय को को लेकर लेकर कंफ्यूज कंफ्यूज में में होते होते हैं हैं और और बहुत बहुत से से लोग लोग इन इन चीजों चीजों को को करना करना चाहते चाहते हैं हैं कि कि इस इस तरह तरह से से हमें हमें इन इन भगवान भगवान को को पूजें पूजें या या इस इस तरह तरह से से पूजा पूजा करें। करें। इन इन बातों बातों पर पर बिल्कुल बिल्कुल भी भी आप आप ध्यान ध्यान न न दें। दें। आपको आपको जो जो अच्छा अच्छा लगे, लगे, जो जो आपके आपके कुल कुल देवता देवता हो, हो, हर हर एक एक व्यक्ति व्यक्ति के के कुल कुल देवता देवता होते होते हैं, हैं, उनकी उनकी पूजा पूजा करें। करें। और और अगर अगर कहीं कहीं जब जब समझ समझ ना ना आए आए आप आप तो तो शिव शिव जी जी की की पूजा पूजा करें, करें, शिव शिव भोला भोला भंडारी। भंडारी। क्योंकि क्योंकि इष्ट इष्ट जो जो है है देव, देव, वो वो स्वतः स्वतः ही ही इस इस अंतरात्मा अंतरात्मा से से उनके उनके प्रति प्रति भाव भाव होता होता है। है। और और किसी किसी भी भी ईश्वर ईश्वर की की पूजा पूजा करें, करें, वो वो एक एक ही ही है, है, रूप रूप अलग 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 है है लेकिन लेकिन वो वो एक एक ही ही है। है। तो तो मन मन में में कभी कभी भी भी इस इस तरह तरह का का आप आप अनर्गल अनर्गल बातें बातें ना ना आना आना चाहिए चाहिए और और मन मन में में कभी कभी भी भी ये ये प्रश्न प्रश्न कभी कभी नहीं नहीं खड़ा खड़ा होना होना चाहिए चाहिए कि कि हमें हमें इन इन भगवानों भगवानों को को पूजा पूजा ना ना करें, करें, इनका इनका ना ना करें। करें। जो जो भी भी आपका आपका इष्टदेव इष्टदेव है, है, जो जो भी भी आपको आपको अच्छा अच्छा लगे लगे मन मन में, में, आप आप उनका उनका पूजा पूजा अर्चना अर्चना करें। करें। वही वही सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा सकारात्मक सकारात्मक है, है, वही वही आपके आपके लिए लिए फलदायक फलदायक है है और और वही वही आपके आपके मन मन के के लिए लिए अच्छा अच्छा है। है। पर पर शर्त शर्त इसमें इसमें यह यह है है कि कि आप आप पूर्ण पूर्ण श्रद्धा श्रद्धा के के साथ, साथ, पूर्ण पूर्ण ईमानदारी ईमानदारी के के साथ साथ उनका उनका जो जो मंत्र मंत्र है है उसका उसका जाप जाप करें। करें। दर्शन दर्शन तो तो हम हम करते करते ही ही हैं हैं लेकिन लेकिन उनका उनका जो जो मंत्र मंत्र होता होता है है वो वो मंत्र मंत्र का का जाप जाप करें। करें। श्री श्री गणेश गणेश जी जी का का तो तो ओम ओम गणेशाय गणेशाय नमः, नमः, हनुमान हनुमान जी जी का का तो तो श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम, राम, शिव शिव जी जी का का ओम ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय, महामृत्युंजय, महामृत्युंजय, गायत्री गायत्री मंत्र मंत्र हो हो गया गया माता माता गायत्री गायत्री का, का, श्री श्री राम राम जी जी का का श्री श्री राम, राम विष्णु विष्णु ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। तो तो ये ये चीजों चीजों का का जाप जाप करेंगे, करेंगे, यही यही ज्यादा ज्यादा फलदायक फलदायक रहेगा। रहेगा। तो अगर अगर अच्छा अच्छा लगा लगा लाइक लाइक करें, करें, शेयर शेयर करें, करें, कमेंट्स कमेंट्स करें। करें। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल।